अब हम लोग बात करते हैं अगली अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र आप लोग जोड़ लेना, ठीक। नर्मदा अपवाह तंत्र, ये हमारे छत्तीसगढ़ का 0.55% जो एरिया है वो ब्राह्मण नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। 0.55% एरिया जो है नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे कि नर्मदा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अपवाह तंत्र है, ठीक। कहां पर है भाई ये? तो ये जो है कवर्धा जिले में देखने को मिलेगा। यहां पर कहीं कवर्धा हम लोग बना लेते हैं, ठीक। कवर्धा यहां पर, ये हो गया खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, ये कवर्धा, ठीक। तो कवर्धा जिले से दो नदियों का उद्गम होता है, बंजर और ताड़ा नदी, ठीक। बंजर और ताड़ा नदी का उद्गम होता है कहां से? कवर्धा से। बंजर व ताड़ा, बंजर नदी का उद्गम स्थल है बंजारपुर, ठीक। लिख लेना, बंजर नदी का उद्गम स्थल बंजारपुर, थोड़ी बड़ी नदी है बंजर नदी, ठीक। तो दोनों कहां से निकलते हैं, बंजर और ताड़ा नदी? तो दोनों नदियों का उद्गम हुआ है कवर्धा जिले से, ठीक। कवर्धा जिला बोल लो या मैकल पर्वत श्रृंखला कह लो, ठीक। तो यहां से ऐसे निकलेगी नदियां और आगे चल करके यहां मिल जाएगी। एक को हम यहां दूर से मिला लेते हैं, ठीक, ऐसे, ठीक है ना। तो बंजर और ताड़ा। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो नर्मदा नदी है, ये अभी तक हम लोगों ने जितनी भी नदियां देखी, चाहे वो गोदावरी नदी हो, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो सोनगंगा नदी हो, सोनगंगा अपवाह तंत्र भी जो ना आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, ठीक। जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में, वहां जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ऐसे ही हम लोगों ने देखा ब्राह्मणी नदी, ये भी जो है बैतरणी नदी के साथ मिलकर के कहां मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो यहां पर सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सभी को हमने देखा वो कहां जा रही है, बंगाल की खाड़ी में जा रही है, वहां अपने जल को विसर्जित कर रही है, बंगाल की खाड़ी में समाहित हो रही है। लेकिन यहां पर आपको पॉइंट नोट करना है कि जो नर्मदा नदी है इसका जो विसर्जन है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक। अरब सागर में हमारे भारत की जो अधिकतर जो नदियां हैं ना वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है, लेकिन कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती है, ठीक। तो उनमें से एक प्रमुख नदी है नर्मदा, जो कि यहां अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है, अनूपपुर जिला जो मैंने सोन नदी का बताया था ना वहीं से ये निकलती है और पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रवाहित होती है और उसके बाद फिर गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में ही वो जो है अरब सागर में जाकर के विसर्जित हो जाती है, ठीक। तो ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का वह अपवाह तंत्र कौन है जो अरब सागर का हिस्सा या फिर अपने जल को अरब सागर में गिराता है। ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, बंजर ताड़ा नदियों का नाम दे देगा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। मतलब किसी भी तरह से आपको ध्यान रखना है कि बंजर और ताड़ा नदियों का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में न जाकर के कहां जाता है, अरब सागर में जाता है। किसके माध्यम से? नर्मदा नदी के माध्यम से।